तो ये रहा हमारा विंडोज 11 सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर रखा है, सब कुछ दिखाऊंगा इसका फर्स्ट लुक और इसका डिजाइन और इसके फीचर्स वगैरह। अब देखो जैसे विंडोज 11 यहाँ पर इंस्टॉल करा, देखो सबसे पहली बात तो ये है विंडोज 11 लीक हो चुका है और ऑफिशियली 24 जून को ये लॉन्च होने वाला है विंडोज 11 के नाम से। और ये विंडोज 11 की बिल्ड जो है वो पहले लीक हो गई, अभी रात में लीक हुई थी, रात में मैंने डाउनलोड कर ली थी और सुबह ही मैं ये वीडियो बनाने लगा और आई थिंक इंडिया में सबसे पहला क्रिएटर ये वीडियो बना रहा है। तो उसको छोड़ते हैं बाद में और देखते हैं किस तरह की डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके पहले सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, हाँ भाई विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है और सेटिंग में कुछ आपको फीचर्स वगैरह भी दिखा दूंगा। अब सिस्टम में जाकर आपको अबाउट में दिखाता हूँ, तो ये रहा हमारे पास विंडोज़ 11 यहाँ पर दिख रहा होगा, विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये जो बिल्ड है वो एक डेवलपर बिल्ड है, मतलब अभी ये स्टेबल वाली बिल्ड नहीं है, जो डेवलपर्स चेक करते हैं वो वाली बिल्ड हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन की भी मैं थोड़ी प्रोसेस दिखा देता हूँ, क्योंकि विंडोज़ 11 का जो इंस्टॉलेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस और यूआई में चेंज करा गया, आप देख सकते हो इस तरह का स्मार्टफोन वगैरह में देखने को मिलता था, कुछ मटेरियल डिज़ाइन टाइप और मॉडर्न सा ये देखने को लग रहा है, आप देख सकते हो। इस तरह का भी फ़ोन की बात करूँ तो MIUI 12.5 में भी स्टार्टअप में कुछ इसी तरह के आइकन्स वगैरह देखने को मिलते थे और दिखने में काफ़ी बढ़िया लगा, स्टार्टअप विंडोज 10 से काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। अभी मैं यहाँ पर और कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हमारा जो डेस्कटॉप है उसको देखो कितना अलग लग रहा है, आपको बिल्कुल नई फील आएगी, बिल्कुल नई जैसी। वॉलपेपर देखें, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर ये है हमारा विंडोज़ 11 का, इस तरह का देखने को मिलता है। एक डार्क वॉलपेपर जो और है इसका, उसमें बैकग्राउंड हमारा डार्क होता है लेकिन बीच में यही है फूल सा पता नहीं क्या बना हुआ है, लेकिन दिखने में काफ़ी कमाल का लगता है। अब देखें विंडोज़ का लोगो जो है वो भी चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल स्क्वायर में दे दिया गया है और इसके एजेस जो है वो थोड़े राउंड से हमें देखने को मिलते हैं। और इसको खोल के दिखाऊं, ये है हमारा स्टार्ट मेन्यू, तो जी हाँ स्टार्ट मेन्यू इस बार फिर से चेंज कर दिया है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी आएगा, क्योंकि विंडोज़ 8 में जब आया था नया स्टार्ट मेन्यू टाइल्स वाला वो लोगों को पसंद नहीं आया, फिर विंडोज़ 10 में मिक्स कर दिया विंडोज़ 7 का और 8 का और इस बार इन्होंने फिर से चेंज कर दिया, बिल्कुल ही अलग कर दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह का हमें यह स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है, ये हमें ऐप्स देखने को मिलेंगे जो भी आप पिन करेंगे, जो भी आप मोस्टली यूज़ करते हो, आपके फेवरेट एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पर पिन कर सकते हो और नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो, काफ़ी मल्टीपल ऐप्स यहाँ पर रख सकते हो। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर अब डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेस्कटॉप क्लीन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे कि मैं रखता हूँ, जैसे अभी आपको डिज़ाइन दिख रहा ना, मैं अपने विंडोज 10 में ऐसे ही रखता था, डेस्कटॉप पर कोई आइकन्स नहीं रखता था, ये बिल्कुल लेआउट आप सेंटर में कर सकते हो, विंडोज 10 में ही मैं ऑलरेडी करके रख रखी है मैंने, तो इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फेवरेट पिन ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पिन कर सकते हो और यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगी, जो भी आपकी यूज़र्स के हिसाब से शायद आपको दिखा है या फिर कोई आपने नया अपडेट कराया तो उसके लिए व्हाट्स न्यू वगैरह यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी ऑल ऐप्स, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएगी जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, मतलब काफ़ी ईजी हो गया, जैसे आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलता है शॉर्टकट्स यहाँ पर रख सकते हो और सभी ऐप्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो ये काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर शटडाउन करने का या फिर पावर बटन जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा, एजेस जो है वो काफ़ी राउंडेड है और काफ़ी मटेरियल डिज़ाइन सा काफ़ी यूनिक सा लग रहा है। यहाँ पर शटडाउन, रिस्टार्ट और स्लीप, हाइबरनेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, फिलहाल दो ही ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी हम ऑन कर ही सकते हैं, तो इस तरह का हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब एजेस देखें, काफ़ी राउंडेड है, शेडो बनी हुई है तो दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मैक ओएस से थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है ये, सेंटर्ड हमें आइकन्स वगैरह, लेकिन मैक ओएस में एनिमेशंस भी देखने को मिलती थी यहाँ पर इस तरह से, लेकिन इसमें ऐसी कोई एनिमेशन नहीं है। तो अभी ये डेवलपर बिल्ड है तो हो सकता है कुछ फीचर्स इसमें फ्यूचर में ऐड हो, जब 24 जून को ऑफिशियली लॉन्च हो कुछ इसमें फीचर्स ऐड करे जाए, तो फिलहाल इस तरह का हमें स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है। सर्च दिखाऊं तो सर्च हमारा ये रहा पहले के जैसा ही है, कुछ टिपिकली वैसा ही है और कॉर्टाना का यहाँ पर शॉर्टकट हटा दिया, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और बाकी हम यहाँ पर ऐड कर ही सकते हैं बाकी चीज़ अगर आप करना चाहते हो। यहाँ पर आपको टास्क व्यू देखने को मिलेगा, टास्क आप चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ से क्या क्या आपकी एप्लीकेशंस खुली हुई है, यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। और ब्राउज़र ये हमारा खुला हुआ, भाई ये क्या खुला ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है और ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के बटन पर दबाकर, क्योंकि विंडोज़ 11 की मैं और काफ़ी सारी वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ। ये तो यहाँ पर फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ आपके साथ, मैं पहली बार इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और थोड़ा मैंने पहले एक्सप्लोर कर लिया था इसको, लेकिन आपके साथ दोबारा से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो टास्क व्यू में आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी एप्लीकेशंस खुली हुई है और सब कुछ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप भी यहाँ से आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर
आपको ये एक्सप्लोर वगैरह फीड वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि विजिट्स हैं यहाँ पर, आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, स्टॉक्स वगैरह, वेदर वगैरह की डिटेल्स। फाइल एक्सप्लोरर खोल के दिखाऊं तो एनिमेशंस देखें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। अब मैंने दिखाया था ना स्टार्ट मेन्यू में एजेस जो थे वो हमारे थोड़े राउंडेड थे, लेकिन यहाँ पर इसके कोई एप्लीकेशन या फिर जैसे कि फाइल मैनेजर मैंने खोल रखा, फाइल एक्सप्लोरर खोल रखा सॉरी, तो यहाँ पर इसके एजेस जो है वो वैसी है, स्क्वायर है बिल्कुल, यहाँ पर चेंज नहीं करा गया है। तो हो सकता है फाइनल बिल्ड में इसके भी एजेस जो है कॉर्नर्स है वो राउंड कर दिए जाए। अब यहाँ पर ऑप्शन वाला दिखाऊं तो ऑप्शन वाला वैसा ही है, इसके भी एजेस राउंड नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाकर राउंड हो जाए। आइकन्स देखो भाई, काफ़ी कलरफुल और काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्टाइलिश हमें देखने को मिल रहा है। थोड़े से आइकन जो थे वो विंडोज 10 के लेटेस्ट अपडेट में अपडेट कर दिए गए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे सब कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये हमारा दिस पीसी है और देखो भाई कितना कमाल का देखने को मिल रहा है, और ये हमारा ऊपर के मेन्यू वगैरह डिज़ाइन वैसा ही है, और दिस पीसी का भी यहाँ पर आइकन इन्होंने चेंज कर रखा है, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और यहाँ पर आइकन साइज़ को यहाँ पर चेंज करने के शॉर्टकट्स दे रखे हैं कि लार्ज आइकन देखना यहाँ से क्लिक कर सकते हो, लिस्ट में देखना यहाँ से चेंज कर सकते हो, बाकी तो आप यहाँ से ऑप्शन में जाकर चेंज कर ही सकते हो। अब अंदर भी दिखाऊं, यहाँ पर फाइल्स के जो आप फोल्डर के वो देखेंगे आइकन, वो भी काफ़ी डिफरेंट है, और इनमें जो मार्जिन रखा गया है, इनकी पैडिंग जो रखी गई है वो भी ज़्यादा है, मतलब इनमें गैप जो है वो पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी भी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, देखते हैं किस तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये ओके और कैंसिल वाला बटन देखो, ये भी हमें राउंड देखने को मिल रहा है, बल्कि हमें विंडोज 10 में जो थे वो हमें स्क्वायर शेप के देखने को मिलते थे, शार्प एजेस देखने को मिलते थे, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है वो राउंडेड रखा गया है। और राउंडनेस इसकी यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं, कंट्रोल सेंटर में जाकर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये जो है हमारी टाइल्स जो है वो भी हमारी राउंडेड देखने को मिलती है। और ये कह रहा है कि भाई साहब 24 जून को विंडोज 11 लॉन्च होने वाला है, उसका लॉन्च इवेंट आप देखना चाहते हो क्या क्या उसमें देखने को मिलता है, तो 24 जून को सुबह 11 बजे लॉन्च होने वाला है, लॉन्च इवेंट में आप जाकर देख लेना। भाई साहब हमने पहले इंस्टॉल कर लिया, हम तो पहले देख चुके हैं, चलो भाई आप जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन्स और ये टाइल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया, VPN यहीं पर शॉर्टकट दे रखा है, मतलब समझदार हो, आपको देखने को मिल जाएगा। नेटवर्क है, ये आइकन्स जो है वो काफ़ी बढ़िया देखने को लग रहे हैं। अभी यहाँ पर सेटिंग्स खोल के आपको और दिखा देता हूँ पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पर रिवॉर्ड्स का भी फीचर दे रखा है, यहाँ पर रिवॉर्ड वगैरह भी अर्न कर सकते हो, कैसे करना है वो हम नहीं देखने वाले हैं। डिस्प्ले वगैरह में आप चेक कर सकते हो, सेटिंग कुछ वैसी है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा गया है, और यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। स्टोरेज वगैरह ये सब कुछ वैसा ही है, लेकिन हम पर्सनलाइजेशन में एक बार जाकर देखते हैं किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जाते हैं हम पर्सनलाइजेशन, और यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू वही विंडोज 10 वाला दिखा रखा है, और हमारी विंडोज़ अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि भाई हमने परचेज ही नहीं करी है, तो लीक्ड होकर आई थी, और विदाउट एक्टिवेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ फीचर्स जो है वो हमें दिखेंगे, लेकिन हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ऑन नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रीव्यू में ये विंडोज 10 का ही दिखा रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर चेंज हो जाए, यहाँ से हट जाए, और कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक्सेंट कलर वगैरह, लॉक स्क्रीन यहाँ से आप चेक कर सकते हो, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर फॉन्ट लगा सकते हो, और थीम्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टार्ट मेन्यू टास्क बार ये अभी आपको सेंटर देखने को मिलता है, यहाँ आप इसको कॉर्नर में भी भगा सकते हो जैसे विंडोज 10 में देखने को मिलता था। तो कस्टमाइजेशन काफ़ी सारी आपको देखने को मिलती है, और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी है। अब देखो और कुछ दिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या दिखाऊँ, लेकिन बाकी चीज़ तो सभी मैं दिखा ही चुका हूँ, लेकिन अब वेट करते हैं इसके और स्टेबल अपडेट आने का, जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, या फिर आप नीचे कमेंट करके बता दो मुझे और क्या क्या चीज़ें दिखानी चाहिए इसके बारे में। और एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इसकी एनिमेशन देखने को मिल जाए कि किस तरह से स्टार्ट होता है और किस तरह से देखने को मिलता है। अब देखो यार स्टार्ट कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, और ये वीडियो अनकट बननी है, शुरू से मैं बोले जा रहा हूँ, एक भी कट नहीं लिया, ना ही पोस्ट करी है वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये इस तरह की हमारी कंटिन्यू होती रहे। अब देखो विंडोज़ 11 का आप लोगों देखो कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल स्क्वायर और बिल्कुल क्लीन और सिंपल सा हमें देखने को मिलता है ब्लू कलर का। तो होने देते हैं इसको बूट, और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, देखो अभी आपने साउंड सुनी होगी, शायद आपको सुनाई दी होगी, और नहीं सुनाई दी तो आपको बता दो इसमें साउंड में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज करे गए हैं, मतलब इसकी साउंड जो है चाहे वो वॉल्यूम बढ़ाने वाली साउंड हो या फिर इसकी बूट वाली साउंड हो, वो सभी आपको नई तरह की देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर साउंड खोलता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ आई होगी,
तो ये हमें साउंड भी कुछ चेंज देखने को मिलती है यहाँ पर, एनिमेशन और आ जाती है ना, जैसे कि मैक ओएस में आती तो भाई साहब मजा ही आ जाता है। तो फिलहाल यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ नीचे कमेंट करके बता देना और कौन सी वीडियोस चाहिए आपको विंडोज 11 की, क्योंकि मैं और भी काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाला हूँ विंडोज 11 की।